हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है सम रिजल्ट्स इन टोपोलॉजीज। इस सेकंड रिजल्ट को कराने से पहले मैं एक रिमार्क बताना चाहूँगी जो कि हमारे पास इस रिजल्ट में यूज होने वाला है। वो क्या है कि जितनी भी हमारे पास टोपोलॉजीज हैं, जैसे कि हमने इंडिस्क्रीट, डिस्क्रीट, कोफाइनाइट, को काउंटेबल, यूजुअल टोपोलॉजी हो गया, और मेट्रिक टोपोलॉजी हो गया, और पॉइंट इंक्लूडेड, पॉइंट एक्सक्लूडेड, और लोअर लिमिट, अपर लिमिट, जितनी भी टोपोलॉजीज की हैं, अगर हम उनमें सब में बात करें वीकर स्ट्रोंगर की, तो उन सब में जो सबसे वीकर होगा वो होती है हमारे पास इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि सब में जो सभी जितनी भी टोपोलॉजीज होती हैं उसमें ये वाला पोर्शन जो होता है हमारे पास इंडिस्क्रीट में आता है, ठीक है, तो ये सबसे छोटी टोपोलॉजी मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे हम अगर बाय चांस मैं बात करूँ कोफाइनाइट की, तो जरूरी नहीं उसमें ये तो होंगे ही होंगे, साथ में इसके अलावा कुछ और भी होगा, ठीक है, जितनी भी टोपोलॉजी, क्योंकि हम जब टोपोलॉजी बनाते हैं एक्स की सबसेट का कलेक्शन लेके बनाते हैं, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कलेक्शन आता है फाई और एक्स, ठीक है। और जितनी भी टोपोलॉजी हमारे पास आएंगी उसमें एक या दो, मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा। कोफाइनाइट में होंगे ये दोनों, ये वाला तो आएगा ही आएगा, साथ में वो भी आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो वो कुछ भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, तो ठीक है। तो उस तरीके से आप माइंड में वो चीज़ें सेट रखो कि ये सबसे स्मॉलेस्ट कलेक्शन होता है, तो ये सबसे छोटी, सबसे कमजोर डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, ठीक है। अब बात आती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। जितनी भी टोपोलॉजी है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो होती है, फाइनल जो होती है, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक्स है, एक्स ले लिया मैंने, उसके जितने भी सबसेट है सभी को उठा के ले लिया जाता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इसका फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता बाय, कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होता बाय, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो आएगा, ऐसा नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, सबके सब आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो इसमें जो होता है पावर सेट ऑफ एक्स, इसमें सभी के सभी आते हैं, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, समझ आया। अगर आप जनरली मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में देखो बेटा, सिंपल सी चीज़ है, ये स्मॉलेस्ट कलेक्शन है, सब में आ रहा है। इसके अलावा जो इनके बीच की जितनी भी टोपोलॉजी है उनमें कुछ कंडीशन है कि ये हो तब आ जाएगा, ये हो तब आ जाएगा। इसमें क्या है, जैसी भी है, जितनी भी है, जितने भी सबसेट है सभी को ले लो, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे छोटी इंडिस्क्रीट, सबसे बड़ी डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट में क्या होता, कोई कंडीशन नहीं होती, जितने भी सबसेट है सभी को ले लिया जाता है। और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है, और इसके बाद जितनी भी हमारे पास टोपोलॉजी होती है उनमें कुछ कंडीशन होती है, इससे ज़्यादा मेंबर आएंगे, इससे कम मेंबर, इस तरीके से कुछ होता है। क्योंकि आप सिंपल सा समझो, कोफाइनाइट ले लिया, कोफाइनाइट में क्या होंगे, क्या एक्स के सभी सबसेट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, पर इसमें तो ऑलवेज आएंगे, ठीक है, उसमें तो वो आते हैं जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। सिमिलरली को काउंटेबल में भी, सिमिलरली यूजर में भी, सिमिलरली जो हमारे पास पॉइंट इंक्लूडेड, पॉइंट एक्सक्लूडेड वाले भी, अगर उस पॉइंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही सबसेट जाते हैं, बट इसमें सभी के सभी आते हैं और इसमें सिर्फ ये आते हैं, क्लियर बेटा। तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम, इस मतलब जो ये रिमार्क है इसका यूज करेंगे इस रिजल्ट में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। लाइफ में कभी भी आपको ये देखने को मिले कि अगर हम बात करें टोपोलॉजी में जो सबसे स्मॉल है वो कौन है, इंडिस्क्रीट, सबसे स्ट्रॉन्गर जो है वो है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है बेटा। हमारे पास जितनी भी हमने आज अब तक टोपोलॉजीज पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं, क्लियर बेटा। तो इसमें आज हम करने वाले हैं सेकंड रिजल्ट, कि सेकंड रिजल्ट में हम देखेंगे कौन सी दो टोपोलॉजी ली गई है, किस तरीके की वहाँ पे कंडीशन लगाई गई है और एक रिजल्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज इक्वल टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज फाइनाइट। कहने का मतलब ये है, अगर आपको कहीं पे गिवन है कि अगर एक्स फाइनाइट है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इक्वल हो जाएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। अगर कहीं पर हमारे पास कोफाइनाइट इक्वल दिया हुआ है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के, तो आप लिख सकते हो एक्स क्या होगा, फाइनाइट,
क्लियर बेटा, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है, मतलब अगर कहीं पे ये चीज गिवन है तो आप ये लिख सकते हो, अगर ये है तो आप ये लिख सकते हो, ओके ठीक है। और हमने जब कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिटेल में डिफाइन किया था तो वहां पे मैंने बताया था कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम टाउ थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्रीट टोपोलॉजी को टाउ टू से। तो ऐसे भी आ सकता है कि टाउ थ्री इक्वल टू टाउ टू इफ एंड ओनली इफ एक्स इज फाइनाइट, ओके बेटा, किसी भी तरीके से आ सकता है। और ये जो रिजल्ट हम कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारे जो थ्योरम्स होंगी टोपोलॉजी में उनमें बहुत ज़्यादा यूज होंगी। कहीं कहीं पर हमारे पास एक्स, हमें प्रूफ करना होगा कि बताओ एक्स फाइनाइट है कि नहीं, तो हम वहाँ पे दिखा देंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी इक्वल हो जाएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इस तरीके से कुछ थ्योरम में इनके कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, क्लियर। अब हम देखेंगे जो ये रिजल्ट यहाँ पे हमने लिखा है इसका प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए जब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चंस या थ्योरम्स होती हैं या रिजल्ट्स होते हैं तो उसमें हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट, इसमें दो पार्ट आएंगे। पार्ट फर्स्ट में मैं ये लेके चलूंगी और इसको प्रूफ करूंगी, सेकंड पार्ट में मैं ये लेके चलूंगी देन इसको प्रूफ करूंगी, क्लियर ओके। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं लेट कर लेती हूँ कि एक्स मेरे पास क्या होगा, फाइनाइट, इतना क्लियर। और हमें प्रूफ क्या करना होगा, दिस इतना। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने लेट किया है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, इसका मतलब यही तो होता है ए क्या है, सबसेट है ऑफ एक्स का, ये मैंने लेट किया है। यहाँ पे एम्प्टी क्यों नहीं लिया, एम्प्टी के केस में आपको बेटा क्लियर दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स का सबसेट लूँ जो कि क्या है एम्प्टी है, तो एम्प्टी टाउ टू में भी होगा, ठीक है, देन टाउ थ्री में भी होगा। कैसे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाउ टू और टाउ थ्री में किस तरीके का कलेक्शन आता है, किस तरीके की उसकी डेफिनेशन है, किस तरीके से डिफाइन किया है। टाउ टू क्या होता है, हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, जो कलेक्शन होता है, जो टोपोलॉजी होती है, उसमें पावर सेट ऑफ एक्स मीन्स एक्स के जितने भी सबसेट हैं उनका एक सेट। तो एक्स का जब कभी भी हम एक्स का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो टाउ टू में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, क्योंकि टाउ टू की यही डेफिनेशन है, इसी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। देन टाउ थ्री, टाउ थ्री में एक्स के वो सबसेट आएंगे आइदर, आइदर का मीनिंग होता है एक, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक कंडीशन, एम्प्टी हो और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, मीन्स एक्स के वो सबसेट आएंगे एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए, इतना क्लियर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी लेती हूँ, मैंने एम्प्टी लिया तो इसमें एम्प्टी सबसेट होगा एक्स का, होता है ना, तो वो टाउ टू में भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी एम्प्टी वाला केस, तो इन दोनों केस में क्या हो गया, ये चीज ट्रू हो जाएगी, क्लियरली हमें पता है कि प्रूफ हो जाएगा। पर हम बात करेंगे कहाँ पे, नॉन एम्प्टी के लिए, ठीक है बेटा ओके। अब देखते हैं, जब मैंने यहाँ पे नॉन एम्प्टी वाला पोर्शन लिया तो मैंने एक्स का ऐसा सबसेट लिया जो क्या है नॉन एम्प्टी है। अब देखो मैंने अभी क्या बोला, टाउ टू क्या होता है, टाउ टू में एक्स के जो भी सबसेट है सभी का कलेक्शन आता है, ठीक है। अब तक तो आपके माइंड में ये चीजें सेट हो चुकी होंगी, आपने सभी के सभी लेक्चर देखे होंगे। टाउ टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो होता है जिसमें एक्स के जो भी सबसेट है सभी का कलेक्शन लेते हैं, तो एक्स का जो भी सबसेट है तो वो ऑलवेज टाउ टू में तो हो गई होगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्लियर यहाँ तक। अब ये वाली लाइन कैसे लिखी, वो होगा इस रिमार्क से, इस रिमार्क के बेस पर ही ये वाली लाइन लिखी गई है, ये पूरी लाइन, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से लिखी गई है, अब इसका रिमार्क देखते हैं, फिर इस रिमार्क के बेस पे ही ये चीज़ समझेंगे किस तरीके से हुआ। देखो इफ एक्स इज फाइनाइट सेट, अगर मेरे पास एक्स क्या है फाइनाइट सेट है और मैं उस फाइनाइट सेट का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लूँ, ले लिया मैंने इसको, जो ये मतलब लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको इस तरीके से लिख दिया जिससे आसानी से समझा सकूँ। एक्स मेरे पास कोई भी फाइनाइट है, उस फाइनाइट सेट का मैंने एक नॉन एम्प्टी, यहाँ पे बेटा ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी एक सबसेट लिया, ठीक है एक्स का,
तो क्या है, अगर मैं इसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले रही हूँ ए, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी अगेन सबसेट होगा एक्स का। क्लियर? इसी तरीके से तो लिखते हैं ना सबसेट, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो वही चीज यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। सबसे पहले x मेरे पास अगर फाइनाइट सेट है, ये x फाइनाइट सेट हो गया, इसका एक मैंने कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, और फिर इस नॉन एम्प्टी सबसेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो भी क्या होगा, सबसेट होगा x का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, अगर x मेरे पास ये है, ठीक है, और इसका मैंने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया ए। क्लियर? अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना पूरा, ठीक है, सिर्फ इस सर्कल को छोड़ के, इस वाले पोर्शन को छोड़ के जो एरिया बचा वो सभी के सभी मेरे पास कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए का। अब देखो, ए सबसेट है ऑफ एक्स का जो कि नॉन एम्प्टी है, तो इसके अलावा ये वाला पोर्शन बचा पूरा का पूरा, तो ये भी, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन बचा ये भी तो सबसेट हो गया एक्स का। ठीक है, ये सबसेट है एक्स का, और ये पूरा जो रिमेनिंग इसको छोड़ के जितना भी पोर्शन बचा वो भी क्या हो गया, सबसेट हो गया एक्स का। अब क्या है, अगर एक्स मेरे पास फाइनाइट है तो उसका ये जो भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, जो भी हम यहाँ पे सबसेट ले रहे हैं फाइनाइट सेट का, वो भी फाइनाइट होगा, और यहाँ पे ये भी सबसेट है तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। हमें पता है कि कोई भी फाइनाइट सेट का जो भी सबसेट होता है वो ऑलवेज फाइनाइट होता है। इतना क्लियर? यहाँ पर हमारा मेन टारगेट जो था बेटा वो ये है कि एक्स का एक सबसेट लिया जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है, फिर अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, इस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट लूँ, तो वो भी अगेन सबसेट बन जाएगा एक्स का। ठीक है, अगर मुझे गिवन है कि एक्स क्या है, फाइनाइट है, तो उसका जो भी फाइनाइट सेट के जो भी सबसेट होते हैं वो ऑलवेज फाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब जो मेरे पास ए है वो भी उसका सबसेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फाइनाइट। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, फाइनाइट है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर ए मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का, यहाँ पे सबसेट हो गया, यहाँ पे नॉन एम्प्टी, तो एक्स का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो इस जगह, ये लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, सबसेट होगा एक्स का। ठीक है, और एक्स मेरे पास क्या है, फाइनाइट है, एक्स फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी क्या होता है, फाइनाइट। इतना क्लियर हो गया? बाय दिस डायग्राम से मैंने आपको बता दिया है, और रिमार्क ये लिखा हुआ है किस तरीके से हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम आप देखो, क्योंकि एक्स ये पूरा का पूरा है, ए ये है, कॉम्प्लीमेंट ये है, तो कॉम्प्लीमेंट भी इसका सबसेट बन रहा है। ओके, एक्स फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब देखो, ये यहाँ से हमारे पास ये फाइनाइट आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू टाउ थ्री। ये किस तरीके से लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ को फाइनाइट टोपोलॉजी। कैसे, को फाइनाइट टोपोलॉजी में वही सबसेट जाते हैं या तो वो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। यहाँ पे वही चीज़ था, एक्स के वही सबसेट जाएंगे, या तो एम्प्टी हो, एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। जब ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो इसका मतलब ए कहाँ जाएगा, टाउ थ्री में, बाय डेफिनेशन ऑफ को फाइनाइट टोपोलॉजी। क्लियर इतना? अब देखो यहाँ से, ये देखो ए बिलोंग कर रहा है टाउ टू से, मैंने पहुंचा दिया टाउ थ्री में, तो टाउ टू सबसेट बन जाएगा टाउ थ्री का। अब ये पोर्शन क्यों किया, हमें पता है जब भी हम किसी को इक्वल प्रूफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें कंटेन कर दें, इसको इसमें कंटेन करा दें, तो वो इक्वालिटी वाला पोर्शन हो जाता है। वही केस करना हमने यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगी टाउ टू कंटेन हो रहा टाउ थ्री में, और टाउ थ्री कंटेन हो रहा टाउ टू में। ठीक है,
ये इसमें हो रहा, ये इसमें कंटेन हो रहा, ये अगर मैं दिखा देती हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेंबर आ गया, टाउ टू का मेंबर है, वो चला गया टाउ थ्री में, तो इसका मतलब टाउ टू कहाँ किस कंटेन हो जाएगा, टाउ थ्री में, क्योंकि यही तो पोर्शन होता है, इसका मेंबर है इसमें पहुंचा दिया हमने, तो ये कंटेन हो जाएगा टाउ थ्री में। तो ये वाली कंडीशन तो हो गई। एंड यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, बट ए बिलोंग्स टू टाउ टू वॉज आर्बिट्ररी चूजन। यहाँ पे क्या हुआ, अब बताओ मेरे को बेटा, यहाँ पे मैंने एक्स का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, तो वो एक आर्बिट्ररी तो चूज किया, जितने भी सबसेट होंगे नॉन एम्प्टी हमने उसमें कोई एक उठाया, आर्बिट्ररी चूज किया, ठीक है। तो वो यही बताया हुआ है कि ए जो है यहाँ पे हमने एक आर्बिट्ररी लिया है, अगर आर्बिट्ररी लिया है तो एक्स के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी के, एक्स के जितने भी सबसेट होंगे उन सबके लिए रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक्स का ले लो, सबसेट बी ले लो, कोई दूसरा ले लो नॉन एम्प्टी, वो टाउ टू में जाएगा, एक्स फाइनाइट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा, वो टाउ थ्री में चला जाएगा, तो सिमिलरली वो भी उसमें चला जाएगा, तब भी ये कंटेन हो जाएगा। तो वही चीज बताइए, आर्बिट्ररी चूज किया गया है तो इसका मतलब टाउ टू के जितने भी मेंबर होंगे वो टाउ थ्री में चले जाएंगे, तो इसका मतलब टाउ टू कंटेन हो रहा है टाउ थ्री में। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला केस हमने प्रूफ कर दिया, ओके। अब हम ये देखते हैं ये कैसे लिखा हुआ है। तो बेटा ये इससे पहले मैंने जो अभी आपको एक रिजल्ट बताया था, जो कि हमने लिया था कंपैरिजन वाला पोर्शन जो है उसमें, तो हमारी जितनी भी टोपोलॉजीज हैं, हमने इंडिस्क्रीट से लेके मैट्रिक टोपोलॉजी, लोअर अपर लिमिट सब टोपोलॉजी पढ़ी, तो क्या है सबसे जो स्मॉल वीकर टोपोलॉजी है वो है हमारे पास इंडिस्क्रीट, क्लियर। क्योंकि इंडिस्क्रीट में सिर्फ हमारे पास ये दो आते हैं, ओके। फिर सबसे स्ट्रोंगर और सबसे लार्जर जो टोपोलॉजी है वो होती है हमारे पास टाउ टू मीन्स डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्यों, क्योंकि टाउ टू में जो कलेक्शन आता है वो एक्स के सभी के सबसेट का आता है, एक्स के जितने भी सबसेट है चाहे कैसे भी हो वो सभी के सभी टाउ टू में जाएंगे, तो ठीक है। तो ये याद रखना कि सबसे स्ट्रोंगर जो टोपोलॉजी होती है वो होती है डिस्क्रीट, और सबसे जो वीकर होती है वो होती है इनडिस्क्रीट। तो हमारे पास अगर टाउ टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे स्ट्रोंगर है, तो ऑलवेज जितनी भी टोपोलॉजी होंगी इसके अलावा वो सभी के सभी उसके अंदर कंटेन होंगी, क्योंकि ये क्या होगा मेरे पास सबसे स्ट्रोंगर, तो इसका मतलब टाउ थ्री कंटेन होगी टाउ टू में। यही यहाँ पे लिखा हुआ, वी नो डैट टाउ थ्री कंटेन इन टाउ टू में। क्यों, क्योंकि टाउ टू क्या है मेरे पास स्ट्रोंगर टोपोलॉजी है जितनी भी टोपोलॉजीज हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ये इसमें कंटेन हो गया, ये इसमें हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, वी गेट दिस। तो यही हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट था, हम लेके चले एक्स फाइनाइट है और हमने दिखा दिया कि टाउ थ्री इक्वल होगा टाउ टू के, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि एक्स क्या होगा हमारे पास फाइनाइट होगा, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, इसको हम लेट करके चलेंगे और ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने लेट कर लिया टाउ थ्री इक्वल टू है टाउ टू के, एंड एक्स इज फाइनाइट हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक्स को फाइनाइट प्रूफ करना है। तो एक्स में से मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, मेंबर ले लिया, जो एक्स हमारे पास जैसे होंगे इस तरीके से होगा, एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से मैंने एक मेंबर उठा लिया, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है, यहाँ से इस एक्स में से एक ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, मैंने लिखा है सिंगलटन एक्स बिलोंग कर रहा है टाउ टू से। अब हमें ये तो चीज पता है कि टाउ टू में किस तरीके का जाता है, टाउ थ्री में क्या होता है। टाउ टू में पावर सेट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के जितने भी सबसेट होंगे सभी के सभी का कलेक्शन ले लिया जाता है, उनका एक सेट बना लिया जाता है। टाउ थ्री में हमारे पास वे आते हैं एक्स के, वे सबसेट आते हैं या तो एम्प्टी हो, एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है अगर x बिलोंग कर रहा है x से, तो ये सिंगलटन x बिलोंग करेगा टाउ टू से। ये किस तरीके से लिखा है, जैसे मैंने यही मान लिया, बाय चांस आप ज्यादा बड़ा ना करके यहाँ पे सिर्फ ये ले लो x और y दो मेंबर ले लिए, ठीक है।
अब मैं इनका जो एक्स मैंने लिया है इसके सबसेट बनाती हूँ। सबसेट बनेंगे तो मेरे पास सबसे पहले आएगा एम्प्टी, उसके बाद एक्स का, उसके बाद वाई का, और उसके बाद एक्स वाई आएगा तो मैं लिख सकती हूँ डायरेक्ट एक्स। और ये भी हमें पता है कि जब हम नंबर ऑफ सबसेट देखेंगे किस तरीके से, 2 की पावर n होता है, तो जो n होते हैं ये मेंबर होते हैं, तो 1, 2 की पावर 2, 4, तो 1, 2, 3, 4, क्लियर। तो ये यहाँ पर हमने इसके सबसेट बना लिए। अब एक बात बताओ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था, टाउ टू में क्या जाता है, टाउ टू में वो जाते हैं जो x के सभी सबसेट होते हैं। तो अगर मैं टाउ टू का यहाँ पे कलेक्शन बनाऊँ तो मेरे पास जितने भी सबसेट हैं उनका सेट बना दूँ, तो मैंने जितने भी इसके सबसेट हैं उनका सेट बना दिया। क्लियर, समझ आया? टाउ टू क्या होता है, एक्स के जितने भी सबसेट हैं उनका एक सेट बना दिया। तो एक्स के जो सबसेट हमने यहाँ पे बनाया था उनका एक सेट बना दिया। अब देखो, क्या ये मैंने इसका एक मेंबर लिया, एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से, एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से, ठीक है। तो दिस बिलोंग्स टू टाउ टू, तो क्या टाउ टू के अंदर ये है? यस, यहाँ से क्लियर हो गया ना कि अगर दिस बिलोंग्स टू एक्स तो हम लिख सकते हैं इस बेस पे, पूरा प्रूफ करके आप दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना चाहो, सिर्फ समझने के लिए है कि अगर एक्सिस के अंदर है, एक्स के अंदर है, कैपिटल एक्स के अंदर है स्मॉल एक्स, तो इसका जो ये बनेगा सिंगलटन, जो बनेगा सिंगलटन सेट एक्स, वो भी बिलोंग करेगा टाउ टू से, क्योंकि इसके जब सबसेट्स बनाएंगे तो वो टाउ टू के अंदर होगा। इतना क्लियर? यहाँ पे ये इससे बिलोंग करा और यहाँ पे हमने देखा दिस बिलोंग्स टू टाउ टू, टाउ टू के अंदर ये है। बट हमें क्या गिवन है, टाउ टू किसके इक्वल है, टाउ थ्री के। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टाउ थ्री। अब ये सेट बिलोंग कर रहा है टाउ थ्री से। देखो बेटा, हम यहाँ ये कर चुके हैं यहाँ तक। अब मैंने बोला यहाँ पे कि ये बिलोंग कर रहा है टाउ थ्री से, ठीक है। बट हम ये देखेंगे ये क्या एम्प्टी है कि नहीं है। अब देखो, एम्प्टी के हमारे पास ये सिंबल होते हैं, दिस जो अब तक हम करते आ रहे हैं एम्प्टी दिस, या इसके अंदर कुछ ना हो। बट इसके अंदर तो एक्स है, तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, नॉन एम्प्टी। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, ये नॉन एम्प्टी है, टाउ थ्री के अंदर है, तो बेटा टाउ थ्री के अंदर जाने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। नंबर वन कंडीशन, या तो वो एम्प्टी बन जाए, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। अब ये टाउ थ्री के अंदर बैठा हुआ है, नॉन एम्प्टी है, तो इसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी तभी टाउ थ्री के अंदर गया होगा, तो इसका मतलब ये टाउ थ्री के अंदर है और ये नॉन एम्प्टी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, फाइनाइट। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, नाउ एक्स को मैं ये लिख सकती हूँ कैसे, ये एक्स है, इसका मैंने एक एलिमेंट उठाया था दिस, और यहाँ से मैंने जब सबसेट बनाया इस एक्स के, तो ये सबसेट बनेगा ना, तो यहाँ पे मैंने एक सबसेट ले लिया ये सिंगलटन एक्स का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो आपको दिख जाए। सिंगलटन एक्स का मैंने एक सबसेट ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपको पता हो बेटा, एक्स ए, ठीक है, यूनियन दिस, किसी भी कोई भी सबसेट ले लो एक्स का, एक्स का मैंने कोई भी सबसेट लिया वो, अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों की यूनियन करूं तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये ए लिया, इसको आप ए मान लो एक मिनट के लिए, मैंने ये ए लिया और यहाँ पे हो गया दिस, तो ए मेरे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला। ओके, अब जो कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन है वो बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाला जो है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और जो मेरे पास एक्स बचेगा बेटा, एक्स क्या होगा मेरे पास, एक्स होगा मेरे पास दिस, पूरा का पूरा ये एक्स मेरे पास ये पूरा का पूरा होगा,
ठीक है। और ए मेरे पास ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ये वाला पोर्शन, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो जब मुझे पूरा का पूरा एक्स बनाना होगा, है ना, तो इसको और इसको दोनों को मिला के ही तो मैं एक्स बना पाऊंगी, ठीक है। इसमें तो ये वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो मैंने अभी यहाँ पे डॉटेड किए है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये डॉटेड वाला कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? अब मुझे जो एक्स चाहिए वो पूरा का पूरा चाहिए, समझ आ रहा है बेटा? ओके, तो मतलब मुझे जब एक्स चाहिए तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी, तभी तो मेरे पास एक्स आएगा, ठीक है। ए को और उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं यूनियन कर दूं तभी तो मेरे पास एक्स बन जाएगा, समझ आ गया बेटा? देखो जैसे लाइक है, आप इसको समझ सकते हैं होल, जैसे मेरे पास कोई एक प्लेट है और ये होल कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये होल है, ये प्लेट है, तो ये जो होल है ये तो ए हो गया, और जो प्लेट का होल के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो मेरे पास उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ए का। तो जब मुझे पूरी प्लेट चाहिए तो उस होल को भी तो भरना पड़ेगा, तो जो ये कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन है उसमें मैंने होल को भी भर दिया, तो मेरे पास पूरी प्लेट बन जाएगी, समझ आ रहा है ना बेटा क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है, जैसे ये होल हुआ, प्लेट में मैंने होल कर दिया और ये होल से रिमेनिंग पोर्शन है, तो मुझे जब ये एक्स बनाना पड़ेगा तो इस होल को भी तो भरना पड़ेगा, तभी मेरे पास एक्स आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी सबसेट हो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लो, दोनों की यूनियन एक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, सिंगलटन एक्स, तो यहाँ पे रख दिया, इसकी जगह सिंगलटन एक्स, दिस यूनियन दिस। अब देखो मेरे पास सिंगलटन सेट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और ये वाला भी मैंने दिखा दिया, दिस इज फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, तो यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या होगा मेरे पास, फाइनाइट, ठीक है, यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो मेरे पास ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, दोनों की यूनियन फाइनाइट, तो इसका मतलब एक्स फाइनाइट। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि अगर मेरे पास दो टोपोलॉजी ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे एक्स क्या दिखाना था, फाइनाइट। इसमें मेन चीज यही है कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से तो ये बिलोंग करेगा टाउ टू से, कैसे वो मैंने बता दिया, ठीक है। टाउ टू का जब हम कलेक्शन बनाएंगे किसी, अगर एक्स इसके अंदर है और उसका कलेक्शन बनाया टाउ टू की, तो ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये चीज बता दी। द मेन चीज ये है कि कोई भी सबसेट ले, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों को अगर मिला दूं तभी मेरे पास एक्स आएगा, ओके। क्योंकि लाइक के होल अगर आप समझो, इसमें से ये पूरी प्लेट है, इसमें से ये होल कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, तो ये निकाल के मैंने यहाँ रख लिया इसका पीस कट करके, ठीक है। अब ये मेरे पास रिमेनिंग रह गया, ओके, तो मुझे ये पूरा लेके आना एक्स, तो लाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको यहीं पे अगेन रख दूंगी, ठीक है। पूरा है ये होल है, ठीक है, होल निकाल लिया, तो रिमेनिंग ये बचा उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब मुझे पूरी प्लेट चाहिए सही वैसे ही जैसे पहले थी, तो उसमें ये वाला होल वाला पोर्शन भी रख दूंगी, तो ये और दिस कॉम्प्लीमेंट मिलके बन जाएगा मेरे पास एक्स, ओके। तो यहाँ तक ये मेरे पास आज सेकेंड रिजल्ट था, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।